তো মই ধোৱাৰ পিছত এটা লিও বুলে ধুব এতে মই দেখি নি আৰু অলপ মন কৈছে মান ধুব কানে ডাইৰেক্ট মই এনেকে উমাম এনেকে হৈছে ধুই মজা লাগিছে ফ্রেশ লাগিছে একদম অ্যাক্টিভ লাগিছে রে মনটো হসাকে হৈছে আইলে গা ধুব প্রিপেয়ার হৈ আইব বাকি পুরো ভাবি আছে ডাঙৰি ভাবি আছে গা ধুনে নাই সর্দি হব নে নেকি জ্বর উঠিব নেকি পানি তো ঠান্ডা কা কিবা কৰা আইছো मानुक जिमान पथा जनाम मानुए इमान प्रिपेयर होइबो भालके क माने साय आसे पत्ता दिया मानु पुकटु किन्तु बहुत डेंजर आसे दे अलमान जदि कामुरे डायरेक्ट छोटा छोटा फ्लाई होता है उसको हम लोग जो है डमडुम बोलते हैं तो वो डमडुम जो काटता है तो खून एक जगह जमा हो जाता है और वो जो इतना वो लोग का मूवमेंट जो बहुत स्लो है ऐसा मार के भी हम लोग मरा सकते हैं लेकिन कोई कोई उड़ जाता है अभी तो कम है जब अच्छा से समर आ जाएगा आपको भी मालूम नहीं होगा जब अच्छा से समर आ जाएगा पूरा ऐसा होगा अगस्त हो जाएगा अगस्त में तो पूरा और आपने जो बोला कि आप तो, काटने से कुछ भी नहीं तो होगा ये हम लोग लोकल लोग जो यहाँ पहले से रह चुका है लाइक मी तो पहले हमको तो हम लोग को काटने से इतना प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा खुजली होगा मार देगा हो गया लेकिन जो नया आदमी को ये काटेगा किसी के साथ मैच नहीं होने से तो वो डंडम काटने से इतना इतना फूल सकता है जैसे कि इसको यहाँ काट दे तो अगर मैच नहीं होगा तो इतना फूल सकता है पूरा फूल सकता है और हाथ साथ बहुत फूल सकता है और हम लोग का नेचर का एनर्जी हम लोग के सर ये पुख हम लोग का काटेगा तो हमारा गाल और सुंदर हो जाएगा क्योंकि नेचर का चीज़ है और हम लोग भैया से मिले भैया से इंट्रोड्यूस कर देते हैं भैया आपका नाम मैं दीपक राम आई टी पी से बिलोंग करता हूँ ये हमारे भाई लोग आए हुए हैं घूमने के लिए या कोयल नदी में नहाएंगे अभी मैं नहा लिया बाकी लोग नहा नहीं सके मैं नहा लेना फर्स्ट सबसे पहले लेकिन एक चीज और परहेज है यहाँ पे जो मच्छर जो काटते हैं ना हाँ। मच्छर नहीं यहाँ पे डमडम बोला जाता है डमडम और वो जो काटते हैं तो वो तुरंत ही रेड कलर का रेडनेस आ जाता है जो आप देख पा रहे होंगे अब इसे खुजली करने से जो वायरस की तरह ये थोड़ा थोड़ा फैल जाता है हाँ। इसे खुजली नहीं करना होता अच्छा। और नए जो नए लोग होते हैं उनके लिए सूजन हो जाता है सूजन हो जाता है ये फिर आपको धीरे धीरे मोटा होने लगता है ओके थैंक यू और इतने सीनियर बोल रहे हैं भैया से और कुछ बात करना होगा ये सीनियर देखिए ये सीनियर में कैसा लग रहा है हम लोग से तो भैया आप बोले आप इधर इंडियन आर्मी हाँ मैं इंडियन आर्मी हूँ और आपको आपको सल्यूट क्योंकि आप लोग इधर है इतना नेटवर्क से नहीं है हम लोग तो घूमने आए हैं पर हम लोग का एक दुनिया इधर रहने वालों का एक दुनिया और होल इंडिया आर्मी का एक दुनिया मतलब आपको आपके लिए सल्यूट आप लोग जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए इधर है आप लोग वही बहुत बड़ी चीज़ है ओके थैंक यू और इधर बोलिए सर आपका आपका लाइफस्टाइल कैसा है मेरा लाइफस्टाइल ठीक है यहाँ पे हम तो नए आए हुए हैं लेकिन हाँ। एक साल से हम करीब यहाँ रह रहे हैं एक साल हो गया और हाँ और यहाँ पे यहाँ का वातावरण भी ठीक है बहुत अच्छे लोग हैं हाँ। और यहाँ अच्छी चीज़ें हैं नई नई जगह भी घूमने के लिए भी है और यह नया रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो गया जो कि यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने भी आते हैं अभी हम लोग का भी अच्छा लगता है कि पहले के जो रास्ते थे रास्ते नहीं होते थे इसलिए लोग यहाँ पे आ नहीं पाते थे अब जो नई नई चीज़ें देखने के लिए भी मिल रहा है और लोग आ भी रहे हैं आने वाला समय में हो सकता है प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा तो बसें वगैरह भी चलना शुरू हो जाएगा आएंगे भैया और आपसे मिलेंगे हाँ। अरे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आने के टाइम में रास्ते आ रहे थे भैया को देखा भैया को बोला हम लोग आ सकते हैं नहीं क्योंकि ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है ना आप जहाँ जहाँ नहीं घुस सकते क्योंकि सिक्योरिटी भी है उधर हम लोग दुश्मन भी हो सकते हैं कोई कोई तो भैया से हमने पूछ लिया था दुश्मन का कोई खतरा नहीं है यहाँ हाँ। सिर्फ ये है कि जंगली जानवर से अपना थोड़ा सा जंगल है तो जंगल में तो जानवर हाँ। रहते हैं तो उनसे थोड़ा बचाव में रहना होता है बाकी प्रॉब्लम बाकी कोई दिक्कत नहीं बढ़िया आपसे मिलके और अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत 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 ज्यादा थैंक यू आप हम लोग आपसे आपको अभी हम चिल करेंगे आप भी ऐसे चिल करते रहिए ऐसे देखते रहिए हम लोग को हम लोग ऐसे एंजॉय करेंगे गाना साना गाएंगे आपको भी जो गाना है तो गाना गाना होगा ठीक है ठीक है और हम लोग का दोस्त लोग अकेले अकेले खा रहे अकेले अकेले खाए आसो अकेले अकेले दे मैं हाँ ओ आसे मोर लगर एटा आसे हाँ अवेलेबल अवेलेबल कितना बैठा आप लोग दो बैठा अगर आगे कर दिया से याला यही ले आप लोग बेले कुछ आनी बो जो डिंपे जो लोए है
ইয়াত লাঞ্চৰ কাৰণে সব বস্তু লৈ আহিব পেকিং কৰি দিম সেইবোৰ মই সব বুজাই দিম কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল এইটো চাওক এইটো চাওক অ' আৰু এটা খাই আছে এইটো চাওক এইটো চাওক বাপ ৰে বাপ ছাৰ খাই আছে নেকি অ' ছাৰ ছাৰ ছাৰে কি চিনেৰী ছাৰ খাই আছে দেখিছে নাই বাপ ৰে বাপ ৰ'বা মোৰ পেটিছটো লৈ আহি আছোঁ মই খাম এতিয়া বহি পিনে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰক তাৰ কাৰণে দেই